बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम कराची फूड एंड ब्लॉग्स। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक ज़बरदस्त ठंडा ठंडा गर्मियों में ज़बरदस्त दिल को कर दे ठंडा और एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर हुई हूँ। किस तरह हमने ये बनाया, किस तरह रेडी किया है, तो आप लोग इसे वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर आयशा और आशारे भी स्कूल से आए थे, आशारे ने कर लिया चेंज और आयशा ने चेंज करना बाकी। यहाँ पर हम ले रहे थे तरबूज, तरबूज है 4 किलो का और हम इसमें से लेंगे आधा तरबूज, यानी कि हम 2 किलो तरबूज कटिंग करेंगे यहाँ पर। और हम कटिंग कर चुके हैं, यहाँ पर आपको दिखाएं, एकदम ज़बरदस्त मीठा ठंडा ठंडा जूसी ये जो है फ्रिज का रखा हुआ फ्रीज़र का तरबूज है। और फिर हमने यहाँ पर दूध पकाया है, 1.5 पाव दूध लिया है हमने, और यहाँ दूध पहले से बॉयल हुआ ऐड कर चुके हैं 1 पाव दही के साथ में। तो यहाँ पर अब हम ब्लेंड करेंगे तरबूज को, बर्फ़ का चूरा कर लिया है हमने और यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है। पहले हमने तरबूज को ब्लेंड किया है और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इसमें हमने बर्फ़ का चूरा ऐड कर देना है, फिर दोबारा से हमने ब्लेंडर में तरबूज के टुकड़े डाल लेने हैं और साथ साथ हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे बहुत ही मज़े की यहाँ पर लस्सी, टेस्टी लस्सी। जी हाँ, लस्सी हम तैयार कर रहे हैं तरबूज की, जो कि आपने पहली बार यहाँ पर देखी है मेरे चैनल में और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आपको यहाँ पर आने वाला है। साथ साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे बर्फ़ का चूरा, ठंडा ठंडा हमें लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त, जैसा कि आपको पता है तासीर इसकी ठंडी होती है तरबूज की, एकदम ठंडा चीनी अपने हिसाब से ले लेनी है और दही, दूध और चीनी ऐड कर लेनी है। फिर अभी हमने दूध बचा के रखा हुआ, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेने के बाद आखिर में दोबारा से ऐड करेंगे दूध और बर्फ़। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है दही और तरबूज दोबारा से। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके वन बाय वन स्टेप में हम दूध यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, दूध याद रहे गाय का है, बॉयल हुआ हुआ है, और यहाँ पर हमने इसे जो है मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये बर्फ़ को हम तोड़ रहे हैं दोबारा से सब चूरा बनाने के लिए, कुछ हमने लिए हैं यहाँ पर साबुत बर्फ़। तो ये देख सकते हैं ज़बरदस्त लस्सी टेस्टी तैयार हो चुकी है, कमर्शियल लस्सी भी इसे जैसे कि बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं इसको, वो ज़बरदस्त लस्सी, क्या टेस्ट है इसका, क्या ज़बरदस्त बनी है। तो मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल की हर रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा क्योंकि मैं हर वो रेसिपी लेकर आती हूँ जो मैं न्यू तरीके से ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ठंडी ठंडी गर्मियों में जूस तो आपने बहुत पिए होंगे, आइसक्रीम भी आपने बहुत खाई होंगी, तो ये लस्सी इस तरह से ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ज़रूर ज़रूर पसंद आने वाली एकदम ठंडी ठंडी बर्फ़ वाली, जी हाँ आपके मुंह में पानी आ रहा होगा यकीनन, मैं देख रही हूँ कि इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर लस्सी रेडी हुई है जो कि मैंने आपसे शेयर की। यहाँ पर हम सब लोगों ने बना के और बच्चे जो है एक ज़बरदस्त जो है ठंडी ठंडी सी यहाँ पर हमने नाश्ते में ली है, तो इन लोगों ने स्कूल से आके यहाँ पर जो ये पी लेनी है और हम सब लोगों ने पी है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मज़ा आया, इसे ट्राई किया और आपको दिखाया हर तरह से हम लोगों ने इन्जॉय किया है। उम्मीद है कि आप लोग भी ये रेसिपी को ट्राई करेंगे, इन्जॉय करेंगे, गर्मियों का मज़ा लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप रेसिपी को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।